मुरली स्थित हिंदुस्तान मैलेबल्स फ्रोजिंग प्राइवेट लिमिटेड जलान फैक्ट्री के महज कुछ दूरी पर कोसुंडा एरिया के गोंदोडी ओबी से बने 170 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां काली का 35 फीट ऊंचा मंदिर बनके तैयार है, लेकिन उस मंदिर में मां काली की प्रतिमा अभी तक स्थापित नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना को लेकर इस मंदिर की प्रतिमा अभी स्थापित नहीं की जा सकी है। ओबी पहाड़ी के मध्य भाग में बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छी और सुंदर वृंदावन पार्क भी निर्मित किया गया है। इसी पार्क में मां काली का मंदिर विराजमान है। इस पार्क का नाम वृंदावन है। इसकी सुंदरता के बारे में आपको बता दें, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इसकी सुंदरता काफ़ी मनमोहक है, मानो ऐसा लगता है कि शायद प्रकृति की सुंदरता को देखकर यहां से जाने का मन नहीं करता। कोयले के प्राइवेट कंपनी AMR इंडिया लिमिटेड नामक आउटसोर्सिंग कंपनी ने वर्ष 2018 में जनवरी महीने में मंदिर की नींव रखी थी। कंपनी के पदाधिकारियों, मजदूरों और गोंदोडी खास कोसुंडा के लोग ने मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। सबसे बड़ा नज़ारा 170 फुट ऊंचे पहाड़ से पूरा शहर आपको दिखाई देता है। सैकड़ों की संख्या में लोग ऊंचे पहाड़ और शहर का नज़ारा देखने आते हैं। इस पार्क में अनेकों प्रकार के लगभग 25,000 फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष जैसे पीपल, आम, सागवान, शीशम, नीम, जामुन, अनेकों प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं और फल फूलों का पौधा जैसे गुलाब, गेंदा, सूर्यमुखी, रजनीगंधा जैसे अनेकों शो प्लांट लगाए हुए हैं, जो यहाँ आने वाले राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी बच्चे छुट्टियाँ मनाने वृंदावन इको पार्क में अवश्य आएँ। इस छोटे से वृंदावन पार्क में निर्माण कार्य अपनी चरम सीमा में है। वृंदावन पार्क के मंदिर की सुंदरता भी चार चांद लगाती है। वृंदा पार्क के बारे में दो शब्द सभी को जानकारी बताए। वो 2014 की बात है। उस साइट ब्रह्म कुमारी को दिया हुआ था, लेकिन उस समय का तत्कालीन एजेंट आदरणीय सुनील निगम जी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने डिपार्टमेंट लेवल पर ही करें, तो उन्होंने हमें बुलाया। अब पूछा कि आप इस काम को कीजिएगा, तो उस समय हमने बोला कि सर ये सब कहाँ हमको दीजिएगा, ओबी डंप में बहुत ही काम है, ये संभव नहीं है। तो हमको बोले कि नहीं, आप सोच लीजिए, हम आपको बहुत सोच समझ कर बोले हैं। हमने 3 दिन का समय लिया, कुछ लोगों से राय लिया कि क्या ये काम करने से ठीक रहेगा, तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि नहीं अच्छा काम है, कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो हम उनको तीसरे दिन बोले कि ठीक है सर हम करेंगे, और हमको बोले और तुरंत हमको एक ट्रेनिंग में भेज दिए, हमारे साथ 4 आदमी का और, हम लोग 5 आदमी जाकर ट्रेनिंग में गए। मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग किए, उसके बाद से आने के बाद हम लग गए उस काम में। लगने के बाद पहले तो हम भी सोचे कि ये बहुत ही ऐसा काम में फंस गए हैं कि क्या बताएं आपको हम। वो भी डब में गाढ़ा करना, पानी का भी उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन तभी भी हम 5 आदमियों को लेकर काम शुरू किए। और काम शुरू करने के बाद में हम फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे, धीरे 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 आज आप लोग देख रहे हैं कि इस मुकाम तक पहुँच गया है। तो करने में तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे अच्छा होते गया वैसे वैसे मेरा मनोबल भी बढ़ते गया। और जो भी बाहर से आते थे, कोयला भवन से आते थे या ये एरिया से आते थे, तो वो लोग देखने के बाद में हमें बोलते थे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है और थोड़ा मेहनत कीजिए, और हम मेहनत करते गए। इस पार्क के बीचों बीच एक मंदिर का निर्मित किया गया है, किस कारण से उस मंदिर अर्ध निर्मित रह चुका हो? वो मंदिर का निर्मित उस हुआ है, एक AMR कंपनी चलता था, उसमें लाइनिंग का काम देते थे संतोष सिंह और बजाज सुनील बजाज। तो संतोष सिंह का ही मैंने वो दिमाग का उपज है कि बोले कि यहाँ एक मंदिर होता तो बहुत अच्छा होता। उस समय एजेंट थे पंडित साहब भी हमें भर दिए, और हम लोग 4-5 आदमी जाकर के जगह को चॉइस किए और पक्का हो गया कि ठीक है यहाँ मंदिर बनेगा। तो मंदिर तो आप लोग देखे होंगे कि करीब करीब कंप्लीट अवस्था में है, अब सिर्फ उसको मूर्ति स्थापना करना है, तो मूर्ति स्थापना भी बहुत जल्द हो जाएगा। किस देवी का वो मंदिर स्थापित है? माँ काली का। अच्छा, किस